और मंदसौर में फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सुबह से जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर बुरहानपुर में भी तेज बारिश और ओले किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों की फसलों को अच्छा खासा नुकसान इस ओले की वजह से हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार बारिश का दौर जारी है। मंदसौर बुरहानपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए किस तरह से ओले बुरहानपुर में बरस रहे हैं और ऐसे में किसानों की फसलों को साफ तौर पर नुकसान हुआ है। केले मक्का और प्याज की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान बुरहानपुर में हुआ है। इधर मंदसौर में भी लगातार बारिश हो गई जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार आसमानी आफत बरस रही है और बीते 10 सालों का रिकॉर्ड जो है वो मध्य प्रदेश में टूटा है। बुरहानपुर में लगातार ओलावृष्टि हो रही है। किसानों की फसल को बहुत नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है। इधर मंदसौर में भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। बुरहानपुर मंदसौर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। कई ज़िलों में लगातार बारिश हो रही है। बुरहानपुर में ओलावृष्टि हो रही है, इसके चलते किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। केले मक्के और प्याज की फसल का ज़्यादा नुकसान बुरहानपुर में हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई है बुरहानपुर मंदसौर से। इधर खंडवा में पिछले 2 दिन से लगातार बेमौसम बारिश हो रही है। हवा और आंधी से किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर प्याज, तरबूज और मूंग की फसल खराब हो गई है। प्याज पककर तैयार था लेकिन बारिश के कारण उसमें फंगस लग गई, जिससे ना अब तो उत्पादन होगा और ना ही इस प्याज को सहेज कर रखा जा सकता है। इधर ऐसे में किसानों को भारी नुकसान इस बारिश की वजह से हो रहा है। तो खंडवा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्याज, तरबूज और मूंग की फसल खराब हो गई है। ये 60,000 रुपए पर एकड़ इसका उत्पादन होता, लागत इतनी लगी है 60,000 रुपए पर एकड़। यदि उत्पादन अच्छा होता तो किसान को मोटी रकम मिल सकती थी। 60,000 भाव मिल रहा है अभी? क्या भाव मिल रहा है अभी? तो 1-2 रुपए किलो भाव मिल रहा है। इसमें क्या पैदा होना, क्या लागत भी नहीं निकल पा रही। इस पानी के कारण अब प्याज कैसा रहेगा, क्या होगा? इस पानी के कारण अभी प्याज को, जो प्याज अभी लगी है, जो फसल पकने वाली है, उसको पूरा फंगस आ जाएगा, खराब हो जाएगी, प्याज सड़ने लगेगी, बीमारियां बहुत सारी उसमें आ जाएगी। नुकसान तो पिछले 1 महीने से हो रहा है, गेहूं की फसल, तरबूज की फसल। अब जो प्याज की उस समय छोटी फसल थी, लेकिन अब प्याज पक के पूरी तरह तैयार है, जिसका स्टोरेज होता है 8 से 10 महीने के लिए। लेकिन ये प्याज पानी गिरने के कारण, भाव नहीं मिलने के कारण किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। सरकार से मैं मुआवजे की मांग नहीं करता हूँ, सरकार से मैं मांग करता हूँ कि किसानों को उसके भाव जो है, लागत का मूल्य, वो अगर मिलता है तो किसान इस प्रकार खेतों में पटक के नहीं रखेगा, वो उसको तत्काल बेच दे। लेकिन प्याज के भाव 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो होने के कारण किसानों ने संभाल के रखा था, लेकिन उस पर पानी गिरने से उसके पूरे अरमान ठंडे हो गए, उसके पूरे सपने धुल गए पानी के कारण।